नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल घरेलू उपाय में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, अगर दाल या सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए तो ये पांच तरीके आएंगे आपके काम के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल घरेलू उपाय तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी वाले वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं। खाने में नमक ना हो तो खाना बेस्वाद हो जाता है, इसीलिए खाने में नमक बहुत जरूरी है, लेकिन नमक सही मात्रा में होना चाहिए। कभी कभी खाना बनाते समय दाल या सब्जी में नमक ज्यादा हो जाता है तो खाने का पूरा स्वाद खत्म हो जाता है। ऐसे में काफी लोग खाना ही छोड़ देते हैं, फिर दूसरी सब्जी बनानी पड़ती है। सब्जी या दाल से खारापन कम करने के लिए यहाँ बताई जा रही छोटी छोटी किचन टिप्स आपके काम सकती हैं। एक, आलू से कम करें खारापन। सब्जी या दाल में नमक ज्यादा हो जाए तो आलू छीलकर डाल दें। कुछ देर आलू सब्जी में ही रखे रहने दें। थोड़ी देर बाद आलू निकाल लें, इससे खारापन कम हो सकता है। दो, आटे की लोई से भी कम हो सकता है नमक। अगर सब्जी में नमक ज्यादा हो गया है तो आटे की बड़ी लोई बनाएं और सब्जी में डाल दें। कुछ देर बाद ये लोई निकाल लें, इससे खारापन कम हो जाता है। तीन, थोड़ा दही डाल दें सब्जी में। खारापन कम करने के लिए सब्जी में थोड़ा सा दही भी डाल सकते हैं। चार, नींबू का रस। दाल में नमक ज्यादा हो जाए तो नींबू का रस डाल दें, इससे भी कुछ हद तक खारापन कम हो सकता है। पांच, ब्रेड से भी दूर हो सकता है खारापन। अगर आप चाहें तो खारापन दूर करने के लिए ब्रेड का उपयोग भी कर सकते हैं। खारी सब्जी में एक दो ब्रेड डाल दें। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल घरेलू उपाय सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।